हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेल्थ कोच राजेश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर डाइट प्लान। कई लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि सर सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो अब हमें सर्दियों के लिए स्पेशल डाइट प्लान चाहिए। तो दोस्तों, आपके कॉल्स की वजह से ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम प्रॉपर क्या डाइट फॉलो करके और किस तरीके से हम अपनी वेट लॉस जर्नी को कम्प्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रखी है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस डाइट को जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्पेशली ये आपके लिए जरूर होगा। तो प्रॉपर आप इस वीडियो को देखिए और आप और अपनी फैमिली को किस तरीके से आप फिट कर सकते हो, ये हमने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो एक महीने में आप 6 to 7 kg तक अपना वेट लॉस इजीली कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हमने वेट लॉस किया है। तो चलिए दोस्तों, डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस डाइट प्लान में कुछ प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेके हैं जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज करते हो तो आप प्रॉपर अपना वेट लॉस कर सकते हो। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो भी हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स हैं वो स्पेशली वेट लॉस के लिए नहीं है। ये हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उनको कम करते हैं, जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें प्रॉपर यहाँ से प्रोवाइड करवाता है। तो जब हमारी बॉडी में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन जाता है तो हमारा वेट लॉस धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है और इजीली इन प्रोडक्ट को यूज करके आप महीने में 6-7 kg तक इजीली वेट लॉस कर सकते हो। तो इस डाइट प्लान में आपको जो प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला वन शेकमेट, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और साथ में फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। इन चार प्रोडक्ट को आपको यूज करके और अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है और इस जो विंटर डाइट प्लान है इसको आपको फॉलो करना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फॉर्मूला वन शेक, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, शेकमेट और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, इन प्रोडक्ट से आप अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या हमारा जो पूरे दिन का शेड्यूल रहने वाला है किस तरीके से हम इन डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना है। उठते आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अगर अभी आपकी हैबिट नहीं है तो धीरे धीरे अपनी हैबिट बना लीजिए। लेकिन सुबह जब भी आप गुनगुना पानी पीते हो तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो धीरे धीरे अपनी हैबिट बना लीजिए कि 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए। उसके बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको अपना वेट चेक करना है। जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही फ्रेश होकर अपना वेट चेक करना है। उसके बाद आपको अपना एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है। फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आपको कैसे लेना है, जैसे एक कांच का या चीनी मिट्टी का बड़ा गिलास होना चाहिए, लगभग 250 से 300 ml, और उसमें आपको 1 स्पून फ्रेश पाउडर डालना है। फ्रेश में आपको स्पून ऑलरेडी मिल जाएगी, 1 स्पून आपको फ्रेश पाउडर डालना है और ऊपर से लगभग 250 से 300 ml गर्म पानी डालना है और उसको आराम से चाय या कॉफी की तरह सिप सिप करके पीना है। यह आपका फ्रेश एनर्जी ड्रिंक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको वर्कआउट करना है। अब कई पर्सन ऐसे भी हैं जिनको मॉर्निंग में वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है। तो दोस्तों, अगर बहुत कम रियल पर्सन ऐसे हैं जिनको वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, अदरवाइज आप थोड़ा सा जल्दी उठ के अपना वर्कआउट कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में आप टाइम नहीं है तो 4 बजे उठ सकते हो। तो थोड़ा सा आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए और अपना वर्कआउट 40 से 45 मिनट का जरूर कीजिए। जैसे आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है तो वर्कआउट के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। जब भी हम सुबह उठते हैं, उठने के लगभग 90 मिनट के अंदर अंदर हमें अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि लगभग पिछले 10 से 12 घंटे तक हमने फास्ट किया है तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो फीमेल्स हैं उसमें यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो लगभग 12 से 15 घंटे तक अपना जो फास्ट है वो नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वो नाइट में 7-8 बजे तक अपना डिनर करती हैं और दूसरे दिन वो सुबह डायरेक्ट ही अपना लंच करती हैं। तो इसके वजह से भी हमारी हेल्थ खराब होती है। अगर हम खाना कम खाते हैं तो वो हमारा वेट लॉस का सोल्यूशन नहीं है, वो हमारी डेली जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़ाती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप सुबह अपना वर्कआउट कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपका ब्रेकफास्ट में हर्बलाइफ शेक रहेगा। शेक कैसे बनाना है, 3 स्पून फॉर्मूला वन शेक, 2 स्पून शेकमेट, 1 स्पून पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। इसको आप ग्राइंडर में या शेकर कप में अच्छे से मिक्स कीजिए, लगभग 200 से 250 ml पानी डालिए।
पानी आप अपने टेस्ट के अनुसार ठंडा डाल सकते हो या नॉर्मल डाल सकते हो। अभी सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हो, वरना ये अपना शेक है वो एक लिक्विड जूस बनने वाला है, तो इसमें ठंडा भी हमें अच्छा लगता है, तो आप अपना ठंडा पानी लेके भी इसको बना सकते हैं। इसको अच्छे से ग्राइंडर में मिक्स करके और इसको पी लीजिए। ये आपका ब्रेकफास्ट कम्प्लीट हो गया। ब्रेकफास्ट में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमें प्रोटीन कहाँ से लेना है, विटामिन कहाँ से लेना है, फाइबर कहाँ से लेना है। आपको सारी चीज़ें जो मॉर्निंग का आप एक शेक लेते हो उससे सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको लगभग 10 से 11 बजे यानी कि बात करते हैं मिड मॉर्निंग में आपको कुछ स्नैक्स लेने हैं। स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, चुकंदर है, अब जो आपको पसंद वो ले सकते हो। फ्रूट्स में आप कोशिश कीजिए पपाया है, एप्पल है, इनको आप ज़्यादा लीजिए। जो फाइबर वाले फूड है इनको आपको अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करना है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने मिड मॉर्निंग में आप ऐड कर सकते हो। ये नहीं कि आपने फ्रूट लिया तो आप सलाद भी ले रहे हो, आप एक छोटी कटोरी आप लीजिए फ्रूट्स की ले सकते हैं या फिर आप एक छोटी कटोरी सलाद की ले सकते हैं, और साथ में आपको एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लेना है। फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जिस तरीके से आपने मॉर्निंग में बनाया था उसी तरीके से आपको अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बनाना है। उसके बाद बात करते हैं लंच। तो लंच दोस्तों आपका बिल्कुल सिंपल रहेगा, नॉर्मल जो घर का जो लंच है वही रहेगा। लंच बाती लेनी है, हरी सब्जी है, दाल है, सलाद है, छाछ है, ये आपको ऐड करना है। अगर लंच आप कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट पहले आप एक बड़ी प्लेट सलाद की जरूर खाइए, इससे आपकी जो भूख की ग्रेवी है वो कम हो जाती है। वरना हम क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर को 2 चपाती की भूख है तो जब तक हमारी ग्रेवी खत्म होती है तब तक हम 3 से 4 चपाती खा चुके होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी लंच करना स्टार्ट करते हैं तो उससे 10 से 15 मिनट पहले आप एक बड़ी प्लेट सलाद की जरूर खाइए। और अगर आप चावल लेना पसंद करते हैं तो चावल भी ले सकते हैं, लेकिन उतने आपको चपाती हटा देनी है। बहुत से लोगों की यही क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम चावल खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं? बिल्कुल आप चावल खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप चावल ले रहे हो तो चपाती को हटा दीजिए। तो ये आपका सिंपल लंच रहा। उसके बाद बात करते हैं मिड इवनिंग। तो मिड इवनिंग में आप रोस्टेड चने ले सकते हो, रोस्टेड मखाने ले सकते हो, या फिर आप पोहे ले सकते हो, या फिर आप उपमा ले सकते हो, लेकिन बेस्ट जो इवनिंग स्नैक्स है उसमें आप रोस्टेड चने या रोस्टेड मखाने लीजिए। और साथ में आपको एक एनर्जी ड्रिंक लेना है, और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जिस तरीके से आपने मॉर्निंग में बनाया था उसी तरीके से। फिर बात करते हैं, एक फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आपको 6 बजे के लगभग ले लेना है, और 7 से 8 बजे के बीच में आपको अपना डिनर कम्प्लीट कर लेना है। अगर डिनर में आप जिस तरीके से मॉर्निंग में शेक लिया था वही शेक अगर आप डिनर में लेंगे तो आपका जल्दी वेट लॉस होगा, फास्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप डिनर में शेक नहीं लेना चाहते तो आप लाइट फूड आप अपना ऐड कीजिए, जैसे दलिया है, पोहा है, ओट्स है, ये चीज़ें आप अपने डिनर में ऐड कर सकते हैं। तो इस डाइट प्लान को फॉलो करके आप अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और क्यूरी हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ में कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना है, जैसे आपको पर डे 6 से 7 घंटे की नींद जरूर कंप्लीट करना है। बात करते हैं, अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो पानी की नॉर्मल हैबिट होती है कि हम 1 से 1.5 लीटर ही पानी पीते हैं, लेकिन आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको अपना पानी का इंटेक वो प्रॉपर बना के रखना है। हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग पानी पीना होता है, जैसे हमारा 20 kg वेट है तो 1 लीटर पानी, यानी कि अगर आपका 80 kg वेट है तो कम से कम आपको 4 लीटर पानी जरूर पीना है। तो आप अपना पानी प्रॉपर पीजिए। जो भी फास्ट फूड है, ऑयली चीज़ें हैं, पैकिंग वाले फूड्स हैं, उनको आप अवॉइड कीजिए। इस प्रकार से अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थी इंडिया, हैप्पी इंडिया। धन्यवाद।